कहा था ना तारे से मैडम जी, सुमेर सिंह 15 मिनट में केस सॉल्व कर देता है, अब बस थोड़ा सा ही टाइम है थारे और ऋषि के मिलन में। फीलिंग आ रही है मन अंदर से। हटा पोस्टर, निकला हीरो। टूटा दरवाजा, निकला हार के। विलेन के चुंगल से भागना इतना आसान नहीं, वो भी रियल लाइफ में। लेकिन हार के तो हार के है ना, मैं आ कहाँ गया? तो दिलवालों की दिल्ली नहीं लग रही है। कोई बात नहीं, तुम्हारी पिकअप कार यार, तब से वेट कर रहे हैं हम, मुझे कुछ नहीं सुनना, आप गाड़ी भेजिए प्लीज। सॉरी सलीम सर। करण, आभा, इस बार तुझे अकेले वापस जाना होगा, कोई नहीं होगा तुम्हारे साथ। इस बार तो तुझे सब लोगों से दूर जाना ही पड़ेगा। मिल गई, अच्छा हो गया, अभी घर जाते, खाना खा के सो जाते। रुकिए, मुझे आपका बैग चेक करना है। क्यों भाई, मेरा बैग क्यों? क्योंकि उसमें सोना है। सोना? मेरे बैग में सोना? दिन दहाड़े सपना आया होगा। रुको, मैं पुलिस को बुलाती हूँ। पुलिस? सॉरी मैम, पुलिस चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद एक पुलिस ऑफिसर हूँ। लेकिन मेरा बैग क्यों? देख, मुझे अपनी ड्यूटी करनी थी। अरे बाबा, देखो देखो, दिखा, थोड़ा सोना मेरे लिए रखना। I'm sorry मैम, मैंने आपको खामखा तकलीफ दी, जिसके लिए माफी चाहते हैं। क्या है मैम कि हमारी ड्यूटी है, इसलिए मुझे चेक करना पड़ा। प्लीज, वेरी सॉरी। आइंदा ऐसी गलती मत करना। पुलिस, वो देखो, वो बुर्का पहनी वो लड़की दिखती है ना, वो लड़की नहीं है, वो आदमी है, वो मेरे पे टकराया था, उसको जाके पकड़ो। आदमी? रुक जाओ, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। मैंने कुछ नहीं किया बेटा साहब, मैंने कुछ नहीं किया, कसम से मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन तुम्हारे हाथ में तो वही बैग, रेड कलर का बैग और ग्लोब लोगो वाले के साथ, बैग दिखाइए। लोग कहते हैं लालच बहुत बुरी बला है, मगर मैं कह रही हूँ ना, ये बैग मेरा नहीं है। मेरे गांव में शीतल पंडित किसी से भी पूछ सकते थे। हाँ सर, ये देखिए कोल्ड बिस्किट। देखिए, आपके पास से सोने से भरा बैग मिला है, आपको मेरे साथ में इंटोगेशन के लिए चलना होगा। आइए चलिए। तो आप ये कह रही हैं कि ये बैग आपका नहीं, तो आपको मेरे साथ में लॉस्ट एंड फाउंड काउंटर पे चलना होगा। चलिए चलिए, बैग ले लो हवाला। बॉस, हमारे यहाँ सोने से भरा हुआ बैग पुलिस के हाथ में लग गया है। नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं हो सकता, हमें उस सोने को भूल जाना पड़ेगा। ओके ओके, मैं उन पर नजर रखता हूँ। ठीक है। पकड़ लिया। पागल हो गए क्या? ये वही आदमी है आपको जिसकी तलाश थी,
ये लॉस्ट एंड काउंटर है ना, वहाँ पे चक्कर लगा रहा था, मेरे पे दो तीन बार टकराया, तभी जाके मुझे लगा इसके दाल में कुछ जरूर काला है। अरे बाप रे, साहब ये वो आदमी नहीं है, ये दूसरा ही है। नहीं मैम, ये वही है। हा? ये वही आदमी है जिसकी हमें तलाश थी। ये इंटरनेशनल स्मगलर है, सोना चांदी और ड्रग्स जैसी चीजों का स्मगल किया करता था। मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा कि हम आपकी वजह से इतने बड़े स्मगलर को पकड़ पाए। यही नहीं बल्कि सोने से भरा बैग भी हमें मिला। बाप रे! अरे वाह मैडम, आपने तो कमाल कर दिया, मुझे नहीं पता था कि आप इतनी होशियार हैं। चलो इसको, तेरे को देख लूंगा बुढ़िया, देख लूंगा। ओ मेरी सोना रे, सोना रे, सोना रे। ये चल। क्या हो गया? इंदिरा का पता चल गया। हा? वो ना किसी औरत से ना घाट कोपर में कोई लाइफ मेमोरियल अस्पताल के बारे में पूछ रही थी, वहीं पे सब लोग, हमको जल्दी से जल्दी चलना होगा वहाँ पे। चलो घाट कोपर में चलते हैं। भाई से पहले तो उनको कुछ हो जाए ना। बातें करते रहोगे क्या? चलो ना, जल्दी चलो, चलते। मम्मी डैडी को बताना, डैडी आ रहे हम। मम्मी को इतना पीना बंद कर दे। अर्चना जी, हाय, आई एम विक्रम, ये रहे आपके डॉक्यूमेंट्स। आई एम रियली सॉरी, आपको बहुत देर तक आपको वेट करना नहीं, पड़ा। नहीं, कोई बात, थैंक यू। एक्चुअली मैं टाइम पे पहुंच गया था, लेकिन एयरपोर्ट में इतनी चेकिंग थी कि कोई बात नहीं, थैंक यू। ओके, मैं चल। आभा, अर्चना, कैसी हैं आप? अब हम, मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? करण, करण, आभा, वो एक जरूरी काम से आए हैं। वो करण, वो करण के ऑपरेशन के लिए हम यहाँ आए हैं। करण के साथ जो हुआ है उसे मेडिकल टर्म्स में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं। और किस्मत का खेल देखो, जिनकी गाड़ी के साथ हमारा एक्सीडेंट हुआ वही करण का ऑपरेशन कर रहे हैं। अरे अर्चना, आपकी बेटी कैसी है? तेजू, उसको पता चला कि आप उसकी माँ हैं? नहीं, अभी तक तेजू को कुछ नहीं पता चला। दरअसल मैं अभी उसे ही छोड़ने आई थी एयरपोर्ट, वो गोवा जा रही थी। अच्छा, तेजू यही थी एयरपोर्ट पे? हाँ। हम तो उसे मिल सकते थे। मेरी दूसरी बेटी ओवी, वो भी इंडिया आई, लेकिन आभा उसे भी नहीं पता कि मैं उसकी आई हूँ। कोई बात नहीं, किसी ना किसी बहाने से आपकी दोनों बेटियां तो आपके साथ हैं, आप खुश हैं ना? हाँ, और मैं यही प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारी जिंदगी में भी बहुत सारी खुशियां आए। करण, अपना ख्याल रखना। हम लोग मिले पहले? नहीं, नहीं मिले। डॉक्टर रॉय, हमारी दोस्त अर्चना। नमस्ते डॉक्टर रॉय, मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ, आप मेरी फ्रेंड की इतनी मदद कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। तुम लोग अपना ख्याल रखना, ठीक है? मैं चलती हूँ, बाय।
हमारी मांगे पूरी करो। टैक्सी यूनियन जिंदाबाद। अरे बाप रे, टैक्सी यूनियन जिंदाबाद। टैक्सी स्टैंड खाली। जा 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 जा, वो टैक्सी है, भाग। मैं भूल गया, जा जा जा। जाएंगे रिक्शे भी नहीं है। टैक्सी से जाएंगे ना। उधर खड़ी है कि खड़ी खड़ी सब चल, चल भाई, चल। अरे देख है, एयरपोर्ट वाले से ना हम लोगों ने बात कर ली है, इसलिए किराए लेने से मना नहीं कर सकता। जल्दी से मीटर डाउन कर ले वरना शिकायत। अरे वरना शिकायत कर दूंगी मैं। अरे मत चिल्लाइए, मैं मना थोड़े ना कर रहा हूँ। दरअसल बात क्या है कि हम लोग स्ट्राइक पर है ही नहीं। अच्छा, वो तो दूसरी यूनियन वाले है जिन्होंने सारा। ओ तेरी कहानी सुनने नहीं आया मुंबई, मैं तो जरूर करना गाड़ी शुरू कर। चलो और ड्राइवर गिर गया। ए सुन रे, वो आकर के क्या खड़ी, सामान से अपना पीछे। सॉरी, ये काम है। और ड्राइवर क्या ना जाना दो रे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। ये टैक्सी हमारी है, ये क्या गुंडागर्दी मचा रखी है। ये टैक्सी पहले हमने रोकी थी, हम इसमें जाएंगे। उतरो यहां से, हम जाओ यहां से। तूने पहले रोकी तो क्या हो गई। कल जाके गेट पर इंडिया को देखेगी और बोलेगी मैंने पहले देख लिया है गेट पर। मीटर आराम से, इसके पुर्जे डिले हो गए हैं। अरे हाँ, कब के पहुंच गए, अभी उतर जाओ। तू क्या हाथ करके खड़ी है, मैं सामान रखना। ओ आंटी, क्यों पीछे पड़ी है हमारे। पहले हवाई अड्डे में मेरा वो पकोड़ा खा गई आलू का, अब हमारी टैक्सी छीन रही है क्यों। भाई साहब देखिए, क्या है कि इस टैक्सी में सिर्फ 4 आदमी जा सकते हैं। अब आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि इस टैक्सी में जाने वाला कौन है। अरे कौन जाएगा, क्या मैं जाऊंगी, और कौन जाएगा। अरे हटो यहाँ से, ये जगह मेरी है, जाओ। तेरी जगह है क्या, तूने खरीद ली। एग्रीमेंट दिखाओ। ये टैक्सी में मैं पहले बैठी थी, ये मेरे चाली में जाएगी। सुना तूने। अरे सबसे पहले मैं मेरी पूछता जाए यहाँ से। माताजी रहम कीजिए इस गरीब पर, मेरी टैक्सी के तो पहले ही पुर्जे ढीले हैं। तेरे दिमाग का पुर्जा ढीला है। तेरे गाड़ी में ऐसा कोई है जो ढीला नहीं है। हाँ है ना, स्टीयरिंग वो कभी भी लॉक हो जाता है। अरे देवा, मैं क्यों इससे बात कर रही हूँ। तू जा, तू जा, मेरे लिए दूसरी टैक्सी लेके आओ, नहीं तो मैं इसमें चढ़ के बैठूंगी। डॉक्टर और, हमारे पास और कोई चारा नहीं है, इन्हीं से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। अरे आजी, नमस्ते आजी। आजी हमारे इस टैक्सी में जाना बहुत जरूरी है, हमें अस्पताल पहुंचना है। हॉस्पिटल? हाँ आजी, हम खास उज्जैन से यहाँ आए हैं ऑपरेशन करवाने के लिए। अब वो अंदर भी हमें बहुत देरी। हाँ, अंदर हमारा सामान भी रुक गया था। और मेरा बहुत डेंजरस वाला ऑपरेशन है, मैं तो मर भी सकती। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलते। जा जा जा, जाने में जा रहा है। अरे मैं बोल सकता हूं, पहल बार नौ पहल बार किसी के साथ नहीं जाऊंगा। अरे सुनो, ये बता दिए है कि नहीं नहीं हमारे में। अरे इसका ऑपरेशन है बाबा, हॉस्पिटल में जाना है। उसकी बीवी है, उज्जैन से आए। क्या दुख मचा रहे हो यार, जाने दो जाने दो। नहीं नहीं, लेकिन हमारे साथ आपके पापा। देखो इसको, ले जाओ टैक्सी, ले जाओ, ले जाओ।
अरे वाह मैडम, कमाल है आप तो। कनाडा से निकलते समय तो आप घर जाने के लिए कितनी उतावली थी और यहाँ टैक्सी उन लोगों को दे दी। अरे पागल, इंसानियत नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? वो लड़की उज्जैन से आई थी वो लड़के को हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए, उसका ऑपरेशन होने वाला, सुना नहीं तूने? उसने बताया, इसलिए मैंने जाने दिया। समझा कर जरा, समझा कर। मैडम बोलो टैक्सी पकड़ लेके जल्दी चलिए ना, पहुंचने के पहले दौड़ दौड़ दौड़।